हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज अपन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड द रीनस इक्वेशन कंपेयर करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट सी जब हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने एक uh, चीज़ बोली थी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोलिजन हो रहा है तो उसमें एक ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है है ना जब मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देखोगे तो जिसमें कॉल्यूशन थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया था है ना क्योंकि अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कॉल्यूजन आसानी से हो जाएगा बट अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी ओरिएंटेशन को अटेन करना उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी आ, कम हो जाती है है ना तो वहाँ पे स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर का इंट्रोडक्शन होता था इस चीज को एक्सप्लेन तो किया कॉलिजियन थ्योरी ने बट क्या हुआ कि स्टीरिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए स्मॉलर था कम था बट हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि स्टीरिक फैक्टर वन से भी कम आए किसके लिए फास्ट रिएक्शंस के लिए बट बहुत सारी फास्ट रिएक्शंस में क्या हुआ कि स्टीरिक फैक्टर जो था वो वन से ज़्यादा आता था तो ये चीजें कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी आई ठीक है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जब आप देखोगे तो इससे क्या पता चलेगा इससे ये पता चलेगा कि जब दो मॉलिक्यूल्स है ना आपस में पास आते हैं कोलाइड करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता बट बीच में एक स्टेट बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं कुछ बॉन्ड्स बन रही हैं कुछ बॉन्ड्स टूट रही हैं है ना इससे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये है ए और फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाता है सो रिएक्टेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इन दिस प्रोसेस बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं बॉन्ड्स बनती हैं है ना एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स है ना और क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाता है तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डाइग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है इसको आप देखोगे तो यहाँ क्या पता चल रहा है ये अभी हम आगे देखेंगे तो ये ग्राफ जो है ये प्लॉट होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में है ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है सीक्वेंस है किसका चेंज चेंज का बॉन्ड एंगल बॉन्ड डिस्टेंस का और रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ बनता है तो आप यहाँ देखोगे जो इनिशियल स्टेट है रिएक्टेंट की ये अभी दूर दूर है जब ये पास आते हैं तो इनकी एनर्जी जो होती है बढ़ती है तो ये बी वाला पोर्शन दिखा रहा है एनर्जी बढ़ रही है और पास आएंगे और एनर्जी बढ़ेगी एक पॉइंट आएगा एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी फिर ये एनर्जी कम होगी कम होगी यहाँ पर एक पॉइंट आएगा डिसोसिएशन होगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे आप एग्जाम्पल ले लो H2 टू और आई टू का ठीक है तो जब H2 टू और आई टू के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि जो पॉइंट ए है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है यहाँ H2 और I2 प्रेजेंट है ओके okay. क्या है यहाँ एच टू एंड आई टू प्रेजेंट है ओके अहेड यू सी टू मॉलिक्यूल्स अपने आसपास आते हैं एक दूसरे के तो ये ओवरलैप होते हैं तो पॉइंट बी आता है ठीक है जहां पे एनर्जी बढ़ रही है ओके okay, तो क्या हो रहा है एच एच बॉन्ड और आई आई बॉन्ड ब्रेक हो रही है खिंच रही है और एच आई की प्रोसेस बनने की स्टार्ट हो रही है ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को जैसे यहाँ पर एच एच बॉन्ड है आई आई बॉन्ड है एच आई बन रहा है ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है ये ब्रेक हो रही है है ना एच आई बन रहा है तो पॉइंट बी जो आपका है वो क्या बता रहा है कि एच आई बनने की प्रोसेस शुरू हुई हुई है जस्ट है ना और एनर्जी बढ़ रही है फिर क्या होगा एक टोटल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व तो BC से क्या पता चल रहा है एनर्जी और बढ़ रही है किसके लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है ओके okay? इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है तो ये आप देखो ये बी पॉइंट दिखा रहा है ये सी पॉइंट दिखा रहा है सी मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया e, e दिखा रहा है कि प्रोडक्ट्स बन गए ओके तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी है ना एंड ई इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट प्रोडक्ट सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की ओके okay, नाउ क्या होगा जो सी डी है सी डी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सी डी रिप्रेजेंट कोर्स ऑफ इवेंट्स विच रिजल्ट इन ब्रेकेज ऑफ एच एच एंड आई बॉन्ड्स एंड एच आई का बनना सी डी ग्राफ ओके नाउ क्या होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सर्टेन एंड क्या हो रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्पलेक्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसमिशन कोफिशियंट ठीक है नाउ तो, इसमें अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट देखें सो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वॉट रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए वो बैरियर को क्रॉस करने के लिए है ना उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द रिएक्शंस टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज मेट फ्रॉम व्हाट किससे होती है इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल में होती ही है तो ये दोनों एनर्जी रिएक्टेंट्स को एनर्जी देती हैं किसलिए जो वो आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स uh, बन रहा है और जो रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस है डेट इज एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए ओके okay. नाउ अगर आप यहाँ से रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्स वाई से प्रोडक्ट बनने के पहले एक एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है फिर वो प्रोडक्ट बनता है तो रेट किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है दो चीज़ों पर एक कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दूसरा डिपेंड करता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ओके दूसरा डिपेंड करता है फ्रीकवेंसी okay. कौन सी फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा सो दिस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन वाइब्रेशनल मोड विस्पेक्ट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो की अनस्टेबल है तो आपको एक लास्ट में जो फॉर्मूला मिलेगा इसके डेरिवेशन पर हमें नहीं जाना है इससे आपको पता चलेगा कि एक इक्वेशन है ये सेवेंटीन पॉइंट फोर टू इस इक्वेशन को आप देखोगे तो ये एक स्टीरिक फैक्टर दिखा रहा है एस और एक ये ए है ओके नाउ यू विल सी हियर कि ए तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था है ना और आप यहाँ जब देखोगे कि जस्ट अस कि कोलिजन थ्योरी में स्टिरिक फैक्टर आया था पी या एस है ना अब यहाँ पे एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो ये ई एस फैक्टर आया है है ना ये भी यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर है अब ये क्या दिखा रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट कि एस जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है फॉर मेनी रिएक्शंस ये रिएक्ट नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है इंडिकेट कर रही है डिसऑर्डरनेस ओके okay. दिस ट नेगेटिव वैल्यू हमें ये समझा रही है कि डिसऑर्डरनेस में कम कमी हो रही है घट रहा है, है ना मतलब कि जब भी कोल्यूशन होंगे है ना द पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे इसकी वजह से क्या होगा कि रैंडमनेस जो अकेले अकेले में थी अब वो कम हो गई इसी वजह से एस की वैल्यू जो है वो कम हो गई और एस की वैल्यू कम होगी तो ए की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि हमने ऊपर देखा था ए वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस डेल्टा एस है ना तो इससे क्या समझ आ रहा है कि इससे हमें यह समझ आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है and hence A की वैल्यू भी कम हो रही है नाउ लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंट्रोपी एंट्रोपी इज वॉट डिडरनेस ऑफ एक्टिवेशन इज जनरली ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इसीलिए जो डिमांड थी प्रॉपर ओरिएंटेशन की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपने देखा कि एस की वैल्यू कम हो रही है तो ए की वैल्यू भी कम हो रही है है ना सो देयर इज या रिडक्शन इन द क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने पास आएंगे वो बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सो एंड इसीलिए एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज मच लेस फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन की गई और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा थैंक यू